गया है, उसका मूल रूप है ईवीएम। ईवीएम द्वारा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है बल्कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। बाबा साहब ने एक चीज कहा था कि हिस्ट्री इज द मेमोरी ऑफ पर्सन एंड देयर डेट्स, विदाउट मेमोरी पर्सन मेक कैन नॉट प्रोग्रेस। एक चीज बाबा साहब ने और कहा था, वन नेशन वन कास्ट, वन रिलीजन वन बुक्स, वन लैंग्वेज वन स्टेट, ये बाबा साहब ने कहा। हम आप सबसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अभी हमारे अनिल भाई चमाड़िया जी थे जो प्रिंट मीडिया में काम करते हैं, और शंभू भाई जो हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया में जो मैसेज फैलाते हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसके साथ एक शब्द और कहना चाहूँगा, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के मसीहा अगर सो गए तू, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल और प्रिंट मीडिया के बंधु आए हैं, सर्वप्रथम तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से उस शहर से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से चुन करके आते हैं, उस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी का हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब मोदी जी रोड शो करने के लिए बनारस में गए हुए थे तो करोड़ों करोड़ों का गुलाब का फूल और 5000 रुपए हर उस गली में, हर उस मोहल्ले में, हर उस परिवार में दे दिया गया था कि तुम जिस गली से हम निकलेंगे उस पर केवल गुलाब का फूल फेंकना। ये क्या है कि देश को गुमराह करने का एक, देश को बरगलाने का एक, देश में गलत मैसेज फैलाने का एक सबसे बड़ा षड्यंत्र। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति है कि कोई भी इंटेलेक्चुअल क्लास, विशेषकर SC ST OBC का व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकता है। वो सुबह उठ करके चाय घर में पी करके घर में ही रह जाता है, पब्लिक बूथ तक वो जा नहीं पाता है। ये योगी राज ने ऐसा कर दिया है कि जब कोई व्यक्ति उनके खिलाफ बोलेगा तो उसे जो है पुलिस, स्थानीय पुलिस थाने के माध्यम से उनको जो है फर्जी केसों में फंसा करके उनको जो प्रताड़ित किया जाएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमें बार बार 2 अप्रैल दोहराना पड़ेगा, हमें बार बार 5 मार्च को दोहराना पड़ेगा, हमें बार बार सड़कों पर आकर अपनी आवाज को बुलंद करनी पड़ेगी, अपने हक को मांगना पड़ेगा, क्योंकि ये ईवीएम की सरकार है। अगर जब आप ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, तो इस देश को 2 आतंकवादी चला रहे हैं जिसका नाम बताने की आवश्यकता नहीं, आप अच्छी तरह जान रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।